नमस्कार, स्वागत है आपका Rajasthan.com में। Rajasthan.com पर आज की बड़ी खबर उदयपुर से। मेवाड़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नाथ द्वार विधायक डॉक्टर सीपी जोशी को राज्य मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने बुधवार को नाथ द्वार की एक होटल में बैठक की, जिसमें नाथ द्वारा राजसमंद और रेलमंगरा क्षेत्र के पदाधिकारी शामिल हुए। पौने घंटे चली बैठक से पहले तो बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के इस्तीफे की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने नरम पड़कर आला कमान को ज्ञापन भेजते हुए धमकी दी। नतवास स्थित होटल उत्सव में कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर, पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, पीसीसी सदस्य हरि सिंह राठौड़ और गुण सागर की मौजूदगी में हुई बैठक में जिला एवं विभिन्न ब्लॉक पदाधिकारियों ने कहा कि नाथ द्वारा से विधायक डॉक्टर सीपी जोशी मेवाड़ के कद्दावर नेता हैं। वे खुद मुख्यमंत्री पद के योग्य थे। उन्हें यह पद नहीं मिलने पर कम से कम मंत्री पद मिलने को लेकर पूरे मेवाड़ की जनता और कार्यकर्ता आश्वस्त थे। जोशी को इस योग्य भी नहीं समझा गया। सभी ने एक सवर में राज्य एवं केंद्र क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर सीपी जोशी को मंत्रिमंडल में सम्मानजनक पद दे, अन्यथा लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बैठक के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महामंत्री चुन्नीलाल पंचोली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे को ज्ञापन सौंपा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।